तो सवाल यह है कि क्या जरासीम से बीमारियों का आगाज होता है या अंदरूनी कमजोरियों से बीमारियों का आगाज होता है। अल्लाह ताला ने जिंदगी को हर किस्म के दिफा की ताकत बख्शी है, इसलिए इन तमाम जरासीम में जिंदा रहने का इंसान को हौसला मिलता है और आमतौर पर वो बड़े बड़ी विशाशत के साथ मुकाबला करता है। लेकिन जूं जूं उसके मिजाज में या उसकी आदात में या उसकी गिजाओं में या उसकी दवाओं में तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं, वो बाज़ जरासीम के मुकाबले की ताकत खोता चला जाता है। एक मरीज जो आम मरीज बनता है बाद में, पहले एक इंसान की मिसाल लें जो सख्त जाने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करता है और उसको बाद बीमारियां लाख ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं वो बीमारियां क्या हैं। लेकिन वही मरीज जब तन आसानी की ज़िंदगी बसर शुरू कर दे तो बाद बीमारियां उसको लाख हो जाती हैं। तो इंसानी सेहत तवाज़ुन का नाम है, जिसमें जिस्म के तमाम अज़लात वो हरकतें जो उनके साथ वाबस्ता हैं, जिनकी ताकतें उनको मिली हुई हैं, उनको छोड़ ना बैठें।